तो हम लोग यहाँ बैठ के रूल करे, लम्बू खा के नहीं आया आज तो, इसलिए तो हम लोग अभी कोरोना में आया है। आज तो बारिश का मौसम है, यहाँ भैया लोग भी बैठा हुआ, अभी हम लोग रोज खा रहे तो हम लोग, लेकिन एक्चुअली आने का टाइम हम लोगों को ऑटो नहीं मिल रहा, हम लोग क्या खा रहे हैं अगर बारिश हो रहा बुरा है। किस तरफ खाएंगे? खाने के बाद हम लोग चलेंगे चिकन रन, चिकन रन के और लंबी फिर से दोबारा ट्रिप दे रहा हूँ, और अब मैं खाइए जा रहे खाइए जा रहे, कितना सेल्फिश दोस्त है, सोचो हम तीनों दोस्त में कोई मोटी नहीं आया, इसको देखो इसका और मुझे देखो मेरा और एक देखो और एक कोई किसी का ना किसी का एडवाइस देने का जरूरत सबसे तो चलो कहीं खाके खाके मिलते हैं आप लोग से एक ही बार, हम लोग जाते हैं सामान। तोतू से हॉस्टल तक लाया है, लम्बू को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था क्योंकि तोतू इधर तक आएगा, अंकल को बोला अंकल और थोड़ा सा यहाँ तक ना उधर तक, हमेशा छोटे सेक्टर पर का जो शक्ति टावर कोई ना उधर तक होता है, पर इधर मतलब क्या हमारा हॉस्टल तक नहीं आता, इस तरफ से भी इस तरह लटका हुआ है चूना इनका भी इधर उधर, तो अंकल को बोले अंकल थोड़ा सा जब मांग रही थी हम लोग थोड़ा लुक्स भी टोटल मेरा लुक्स भी डिफरेंस है, मांग रही थी ना 50 रुपीज, हम बोले नहीं 20 रुपीज देंगे, चलो मिलते हैं हॉस्टल पहुँच गए, हॉस्टल पहुँच गई, हॉस्टल बोले ये मैडम सो गई आप क्या करें। सो फाइनली अभी हम चिकन बनाने के लिए यहाँ रेडी हो गई,
मतलब जैसे बाहर गई वैसे ही आके मैं ड्रेस चेंज नहीं किया, क्योंकि ड्रेस चेंज करेगा ये करेगा लेट लगे, तो इसलिए मैंने हाथ मुँह धो लिया। उसके बाद चिकन वगैरह भी धो के रेडी करके रख दिया। तो हम लोग आते हाथ, हाँ देखो ये ड्रेस कैसे है, जैसे हम लोग जाके आया वैसे हाथ मुँह धो के प्याज वगैरह काटने लगे, ये लोग भी चेंज कर रहे। तो हम लोग प्याज वगैरह हम लोग मसाला रेडी कर रहे, क्योंकि आते प्याज काटना तो ज़्यादा टाइम लगता है। प्याज काटने का टाइम में तो मेरा आंसू ही आ रहा था, पूरा वाटर प्रूफ की तरह निकल रहे। तो लहसुन वगैरह छील लिया थोड़ा सा, हमारे पास एक मिक्सर है तो उसी से काम चला लिया। अगर हमारे पास मिक्सर नहीं होता तो हम लोग जल्दी उतना जल्दी मिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि जो मिक्सर था हमारे पास छोटा ग्लास की तरह जूस वगैरह करने के लिए ऐसे हॉस्पिटल में जब मिला था तो उसी से चला लिया। तो अभी चिकन विकन तो धो रख दिया, धो के तो एक साइड तो बन रहे, लंबू का तो बन रहे, मैं दिखाती हूँ गाइस इनका तो हो रहे। अभी ये आलू फ्राई कर रहे दोनों के लिए, क्योंकि चिकन में देने के लिए थोड़ा सा आलू डीप नहीं, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके निकाल के रख देंगे, ताकि चिकन का टाइम में जब देने का टाइम में जल्दी हो जाए। यहाँ पे चिकन धो के रख दिया, लंबू का आधा रख दिया, मेरा ये मसाला रेडी हो रहा है। तो मैं उसके साथ और भी देखा था, अभी मसाला थोड़ा सा लो फ्लेम में थोड़ा सा चला के रखना होता है, थोड़ा मसाला रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाते। कभी कभी शॉर्टकट बनाते तो मसाला सब कुछ एक ही साथ मिक्स करके बना लेते। यहाँ पे यह है सिंजू बनाऊंगे, सिंजू के लिए काट के रखा था ये वाला। एक्चुअली हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोग ज़्यादा सिंजू जैसे कि वाई वाई यहाँ पे बहुत सारा मिक्स करेंगे आइटम बिट्स है, इसके लिए मिर्ची कूट के रख दिया। यहाँ पे मिर्ची को पहले फ्राई कर दिया, तो इसको फ्राई करके ये धनिया पत्ता लास्ट में डालेंगे। तो तब तक इधर चिकन भी बन रहे, ये तो सलाद के लिए रेडी करके साइड में रख दिया। उसके साथ ये था, उसके साथ मिर्ची भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसमें बहुत कुछ देने से अच्छा है। मतलब जैसे सलाद में क्या चीज़, हर सलाद में मतलब हर सब्जियाँ डालते हैं जैसे वेजिटेबल्स, ये सब मिक्स करने से केबीज वगैरह धनिया बहुत कुछ, तो तभी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे ग्रेवी तो रेडी हो गया, अभी देखो वैसे देख सकते, लेकिन खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। खाने का टाइम में क्या होगा पता नहीं, देखो मेरा ये ऐसे ही वही है, मतलब थोड़ा दूर रह के थोड़ा सा चलाना होता है, नहीं तो ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब छींकता है तेल, तेल का चीज़ होने से ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चला लेते हो, अभी रेडी हो गया ऑलमोस्ट मेरा चिकन। चलो गाइस चिकन हो जाने के बाद आप लोग से मिलते हो। तो यहाँ पे स्मॉल पीस किया हुआ है, ज़्यादा बड़ा वाला पीस करेंगे तो हमारे पास जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही है तो इसलिए जल्दी हम लोग को खाना भी बनाना है। अगर बीच में खाना बनाते बनाते लाइट चले जाते तो हमारा बैन बच जाती है, क्योंकि हॉस्टल है ऊपर से और हमारे पास इंडक्शन भी नहीं है, सॉरी इंडक्शन तो है बट गैस नहीं है, तो इंडक्शन चलाती है हम, तो इसलिए हम लोग जल्दी बनाते हैं इसे, क्योंकि लाइट भी जा सकते, बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो सो गैस ये हो जाती है। उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ, जैसे कि चिकन कैसा बना है, जब बन जाएगा तब आप लोग को दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये वाला जो हम लोग आज बना के सब लोग मिलजुल के खाने वाले, एक्चुअली लंबू का बर्थडे था तो उसने हम लोग को बाहर जाके भी ट्रीट दिया था, फिर रूम में तो सबको नहीं मिला इसलिए उसने नहीं किया। चलो गाइस एक ही बार दिखाते हो, तो ये ऐसा कुछ दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी तो चिकन डाला, मसाला पहले मसाला को भून लिया था। ये देखो चिकन हो गया रेडी, यहाँ पे आलू वगैरह सब कुछ हो गया, बस तेल ही थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया। सो चलो गाइस मिलते हैं एक ही बार।
छुपा रहे हैं, अब सबका मुंह छुपा रहे। ठीक है, मेरा ठुपरा दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। तो चलो लेट्स सी, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। सिंजू पहले टेस्ट करती हूँ। सिंजू मस्त लगा, तो मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया। ये सिंजू है, ये पापड़ है, ये सलाद है, मैंने ये धनिया, क्योंकि मुझे धनिया कच्चा खाने में बहुत अच्छा है, साथ में अंडा भी था। तो ये सब लम्बू ने किया हुआ ट्रिप, मैं तो दो दो है मौका में चौका मार रहे फिर से। तो लम्बू को थैंक यू फिर से, क्योंकि बर्थडे का बर्थडे किसी का बर्थडे आने से तो फ़ायदा ही फ़ायदा। सो वही, चलो खाना खा के आप लोग से मिलते हो। बाहर तो बहुत तेज बारिश चल रही है, अच्छे से खाना खाओ और मस्त से बिंदास से सो जाओ। लेकिन चिकन भी बहुत बढ़िया लगा, लेकिन सब खाना बाना तो हो गया। बाहर तो बारिश हो रही है जी, बाहर एकदम बहुत तेज। हाँ, तेज बारिश हो रही है। यहाँ का लाइव ऑन करके देख सकते जी, बाहर में तो बहुत तेज बारिश हो रही है अभी, तेज बारिश हो रही है। हाँ, आप लोग को दिखाते हुए इसके तो देखो इस तरह से दिखाते हैं। हाँ, सिर की जब और से लोग तो पति पति खा लिया पानी से उसको एक सेकेंड में गए। आप लोग को देखा कि पूरा फूल बारिश हो गया, पूरा पानी पानी दे ये पानी। तो ये पूरा खेती बन गया था, तो अच्छा इधर पूरा बारिश हो गया। तो गुड नाइट सबको, दादा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग सुनते हैं।